100 years ago, people thought that human race was steadily improving in every area of life. Now it seems this is not certain in all situations. In which areas do you think we have made important progress nowadays, and in which areas do you think we still need to make progress? So I have colored this question. अब आपने ये सोचना है कि किन एरियाज में जो है ह्यूमन रेस ने प्रोग्रेस की है. तो यहाँ पर जो है मैंने जो मेंशन किया वो मेडिकल साइंस और रेवोल्यूशनरी डेवलपमेंट्स इन द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सोसाइटी, और इन्हीं को ही मैंने एक्सप्लेन किया. अगर आप कुछ और एरियाज में सोचते हैं कि इम्पॉर्टेंट प्रोग्रेस की है, देन यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स. आप अपना जो ऐसे लिखेंगे आप उसमें लिख सकते हैं. सो इन विच एरियाज डू यू थिंक वी स्टिल नीड टू मेक प्रोग्रेस, उसके लिए ये बॉडी पैराग्राफ लिखा हुआ है. देर स्टिल मैनी सेक्टर्स वेयर वी हैव टू वर्क फर्दर. ट्रीटमेंट्स फॉर मैनी टाइप्स ऑफ कैंसर्स एंड एड्स हैव येट टू बी फाउंड. ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी हैव येट टू बी वाइडली रिकोगनाइज. प्लीज जो ऐसे प्रॉब्लम क्वेश्चन पूछा होता है उसके लिए आपके पास आइडियाज होने चाहिए. आइडियाज कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं, लेकिन आइडिया तो होना चाहिए. अब अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसे एरियाज जिनमें प्रोग्रेस मतलब हो गई है, तो अगर आपको पता नहीं होगा आप सोचते रहेंगे कि कितना टाइम नहीं होता सोचने का. आपके पास आइडियाज पहले से होने चाहिए. अब मेडिकल साइंस है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सेक्टर है, और इसको आपने एक्सप्लेन करना. अभी आइडिया आपके पास आ गया, आपने आगे इसको एक्सप्लेन कर देना. अब जैसे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सेक्टर की अगर हम बात करें, तो एयर ट्रैवल हैज़ बिकम सेफर एंड फास्टर. पहले एयर ट्रैवल मतलब पहले, ठीक है, 80s में लगा लें, या उस वक्त इतना ज़्यादा जो था वो डेवलपमेंट नहीं हुई हुई थी. रोड्स इतनी डेवलप नहीं थी. रोड एंड रेल ट्रांसपोर्ट हैव ऑल्सो अचीव न्यूअर हाइट्स. कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज श्रंक द प्लैनेट अर्थ टू अ ग्लोबल विलेज. पहले इंटरनेट फैसिलिटी भी इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं थी, ठीक है. पीपल आर नाउ कॉन्स्टेंटली इन टच विद ईच अदर थ्रू द मोबाइल फोन एंड द इंटरनेट. द इंटरनेट इज़ एन ओशन ऑफ नॉलेज. अब जब पहले की बात करें, मोबाइल फोन्स थे तो सही, मतलब बहुत शुरू में नहीं, लेकिन जैसे 80s 90s की बात करें, मोबाइल फोन्स थे, लेकिन इतने ज़्यादा जो थे, मतलब इस तरह नहीं होता था कि हर एक के पास होते थे. जैसे अब है इंटरनेट फैसिलिटी हर घर में अवेलेबल है, लेकिन अब ऐसा नहीं है. लोग इंटरनेट कैफेज में जाते थे, ऐसा होता था ना. तो ये जो चीज़ें हैं, मतलब इनमें कितनी डिवेलपमेंट हो गई है. तो ये आइडियाज़ आपके पास होने चाहिए, और जब आपके पास क्वेश्चन आप पढ़ें ना, तो फौरन से आपके दिमाग में वो आइडियाज़ और एक्सप्लेनेशन आ जाए. अब ये टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी वर्ड्स हैं, ठीक है, ये वाले वर्ड्स जो इसमें यूज़ हुए हुए हैं, ये टॉपिक. अगर आपके पास वर्ड्स ही नहीं होंगे तो आप कैसे सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है. सबसे पहली तो चीज़ है कि आपके पास टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी होनी चाहिए, और वो आपको प्रैक्टिस से ही आएगी. आप जितना पढ़ेंगे, जितना आप लिखेंगे, रीडिंग एंड राइटिंग इज क्रूशल, ठीक है. तो आपने जो है रीडिंग भी करनी है, फिर उसके बाद राइटिंग भी करनी है. अभी आप रीड कर रहे हैं ना, तो आपने इसके बाद राइटिंग करनी है, ठीक है. आपके जहन में और जो चीज़ें आती हैं वो आप लिखें, और मतलब पॉलिश करें अपने जो ये स्किल है राइटिंग की, ठीक है. तो और दूसरी चीज़ ये कि आपको कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स आने चाहिए. अब जैसे ये वाला सेंटेंस देखें, वी हैव डिस्कवर्ड न्यूअर क्योर्स एंड मेडिसिन फॉर मैनी डिजीजेस कॉमा विच आर अर्लियर कंसीडर्ड अनट्रीटेबल. अगर हम यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देते तो ये सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट हो जाता, लेकिन वो सिंपल सेंटेंस होता. हमने इसको कॉम्प्लेक्स बना दिया बाय राइटिंग कॉमा एंड विच, ठीक है. डिजीजेस की बात हो रही है ना, तो हमने सेंटेंस को एक्सटेंड कर दिया. मेन चीज इसमें यह भी है कि आपको सेंटेंस को एक्सटेंड करना आना चाहिए. विच वर अर्लियर कंसीडर्ड अनट्रीटेबल, ठीक है. और इस तरह फिर आप इसका कॉन्क्लूजन लिख देंगे. सो इस एसे को रीड करें, देन राइट दिस एसे इन योर ओन वर्ड्स. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स.